सोचो क्या गुजरेगी उस इंसान पर जिसको पता चले कि उसके 20 साल के लड़के को ब्रेन ट्यूमर है, जिससे उसको उम्मीद थी कि वो काम करेगा, उसका नाम रोशन करेगा, स्कूल कॉलेज जाएगा, आज वो ऑपरेशन थिएटर जा रहा है। तो जब कोई इतनी उम्मीद लगाकर आपके पास आता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनकी उम्मीदों पर खरे उतरो। मैं इसका ऑपरेशन करता हूं और आप लोग जानते हो कि मैं कितने भी वादे कर लूं, ब्रेन का ऑपरेशन टफ होता है। वहां आप 1-2 mm भी इधर उधर होते हैं तो इंसान उठ नहीं पाता। और ऑपरेशन हमने बहुत अच्छे से किया, पूरा ट्यूमर निकाल दिया, लेकिन फिर भी आनंद को वेंटिलेटर पर जाना पड़ा। एंड ऑपरेशन के 12 घंटे बाद भी उसने चीजों को समझना तो शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसको वेंटिलेटर से हटा सके, और यही चीज मुझे चिंता दे रही थी। और अगले दिन राउंड पर जाते वक्त मेरे दिमाग में यही चल रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं वापस से ब्लीडिंग हो गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमने कोई नस उसकी डैमेज कर दी है। पर जब मैं उसको जाकर देखता हूँ तो हुआ बिल्कुल अपोजिट, वो बात कर रहा था। बताओ अपना। और अगले दिन जब मैं उसको वार्ड में चलाता हूँ तब उसके फादर के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी थी। और जानते हो यही खुशी देखने के लिए मुझे एक काम करना अच्छा लगता है। उधर देखो, उधर एक बार नाम बताना अपना जोर से। आनंद कुमार।